गाइज, इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन साईफाई थ्रिलर से भरपूर फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन और साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार धनुष स्टारर फिल्म रॉयन के बीच जमकर क्लैश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 9वें दिन के इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 10वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म डेडपूल 3 के बारे में। आपको बता दें, ये एक एक्शन साईफाई कॉमेडी थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें रियान रेनाल्ड्स, लेस्ली उकम्स, ह्यूग जैकमैन, एमा कोरिन, मोरेना बैगरिन और डफने कीन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 21 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 89 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन 4 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 9वें दिन यानी अपने दूसरे शनिवार को इस फिल्म ने 7 करोड़ 25 लाख रुपए का धमाकेदार कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म डेडपूल 3 का टोटल 9 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 101 करोड़ 40 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट $200 मिलियन या इंडियन रुपीज में कहें तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 1675 करोड़ रुपए के आसपास का बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म डेडपूल 3 ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 6150 करोड़ रुपए के रेंज में धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। इस तरह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। साथ ही साथ इस फिल्म के 10वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 10वें दिन यानी अपने दूसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 8.5 से 9 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही सब बात कर लेते हैं धनुष स्टारर फिल्म रॉयन के बारे में। आपको बता दें, ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें धनुष, दुशारा विजयन, सुदीप किशन, कालिदास जयराम, अपर्णा बाला मुरली और SJ सूर्या जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन खुद धनुष ने ही किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 13 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 60 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी अपने दूसरे शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ 25 लाख रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म रॉयन का टोटल 9 दिनों इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ 25 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म रॉयन ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 112 करोड़ 50 लाख रुपए के रेंज में धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 10वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 10वें दिन यानी अपने दूसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 6 से 6.5 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वैसे कि आपको क्या लगता है, ये दोनों फिल्म अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस से कितना कलेक्शन करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।